मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से वापस प्रेम भरी बधाई मैं आपको बताता हूँ। जीसस मिट यू टू फैमिली जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में मिले हुए मेरे प्रिय परिवार, जब जब आपको याद करता हूँ मैं परमेश्वर की स्तुति ज्यादा करता हूँ। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी ठीक उसी तरह इस संदेश के खत्म होते वक्त परमेश्वर को धन्यवाद दे के, हे प्रभु जीसस मिट्स परिवार को, भाई के परिवार को जो सहायता करते हैं, सभी लोगों की सुरक्षा करें। एक छोटी सी प्रार्थना हमारे लिए कीजिए, परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। ठीक है, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। प्रेरितों के काम 6:3। इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। आपको शायद मालूम होगा प्रेरितों के काम 6 में एक छोटी सी समस्या है। कलीसिया के अंदर जब खाना परोस रहे थे तो छोटी सी समस्या हो गई। परमेश्वर के दास इकट्ठे होकर वो कहते हैं कि हम जब खाना परोसते हैं उसमें ना जाएं, परमेश्वर के वचन में और ध्यान करने में लगातार बने रहेंगे। इस खाना परोसने के लिए 7 लोगों को चुनते हैं, वे उस काम को करें। एक अच्छा निर्णय ऐसे वो लेते हैं। तो कलीसिया के लोग सभी लोगों को पसंद था, तो जब खाना परोसने का समय आया तो स्तिफनुस को भी उन्होंने चुना। कलीसिया के सेवक होने के नाते उसे प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया, उसे जो है सामने माइक के सामने खड़ा नहीं करवाया, खाना बांटने वाले काम के लिए परमेश्वर ने स्तिफनुस को बुलाया। पर स्तिफनुस के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। उसका कारण यह है कि जो अभिषेक उसने पाया था वही कारण। शायद वो खाना परोसने का काम करते थे, सबने खाया, ऐसे बात करते थे या सेवकाई वैसे करते थे तो दुनिया उसे जो है एक सरदार के रूप में देखती थी, पर स्वर्ग जानता है, स्तिफनुस को जानता है। एक जमाने में मैं बहुत ही अग्नि के रूप में जलने वाला हूं, उसके लिए बहुत ही अद्भुत के रूप में बदलने वाला हूं, क्योंकि उसके अंदर का अभिषेक जो उसे बहुत ही अच्छा वीर बना रहा है। वही अभिषेक का एक अच्छा मुख्यता बड़ी बात है। आज आप इस दुनिया में बिली ग्राम जो है बहुत ही बड़े सुसमाचार सुनाने वाले जो व्यक्ति है, वो अभी मरे हैं, उनके पिता जो है एक दूध वाले थे, हर एक जगह में जाकर दूध बांटते थे। पर बिली ग्राहम दुनिया में बहुत ही बड़े प्रचलित सेवकाई करने वाले बहुत बड़े परमेश्वर के दास है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज आपके जीवन को लेकर आप चिंता मत कीजिए, जो अभिषेक आपने पाया है वो जरूर आपको बढ़ाएगा। इसलिए मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कभी निराश मत होइए। अच्छी तरह से आत्मा में भर कर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पर आत्मा पर निर्भर हो जाइए, आपके सारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। वो पहला कदम। दूसरा कदम मालूम है क्या? दूसरों के दुखों को आप आनंद के रूप में बदल डालोगे। यही आज का वचन है। प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर आज जो भविष्यवाणी का वचन आपने दिया इसलिए तेरा धन्यवाद। अब तक आपने चलाया प्रभु तेरे बच्चे, ये थोड़ा सा वेतन, थोड़ा सा समय, जीवन ही मेरा बहुत ही बेकार का है, समाज में मैं सर उठाकर नहीं जी पा रहा हूं। तेरे बच्चों को एक बार तो अभिषेक कर दीजिए, अभिषेक जो पाए हैं उन पर अपना आत्मा उंढेल, जो बिल्कुल बेकार का स्तफनुस था उसे तूने इतना बड़ा सेवक बना दिया, उसी तरह तेरे बच्चों को उठा दे, तेरे हाथों में उन्हें सौंप देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, हे पिता, आमेन। परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन को भरोसा कीजिए, परमेश्वर चलाएगा। लगातार पवित्र आत्मा के साथ इन संदेशों को जरूर सुनिए, परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 98412
5283636 और 7299546363 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।